हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, मेरी खूबसूरत टेबल सजी हुई है और हम ये कहाँ फूड एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, इसमें वेज भी है, इसमें नॉन वेज भी है, स्नैक्स भी हैं, चाइनीज भी है। चलिए मेरे साथ सब दिखाते हैं। आप पीछे मेरे सेक्टर 9 रोहिणी ओरिएंटल अपार्टमेंट्स का आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा। इसके बिल्कुल सामने डीसी चौक मार्केट का गेट है और गेट में घुसते ही हम जा रहे हैं टेस्ट बर्ड्स में। तो सामने है टेस्ट बर्ड्स टेक अवे आउटलेट है, दो तीन टेबल लगे हैं, वहाँ बैठ के खाना इंजॉय कर सकते हैं। लोकेशन थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं आप। बिल्कुल जो हमने आपको गेट दिखाया था वहाँ से हम एंटर किए हैं। एंटर करते ही आपको ये सामने करीम्स दिख रहा है और हल्का सा कैमरा हम दिखाएंगे तो ये आपको ये वाला जो हम एरिया है ये है गेट जहाँ से हम एंटर किए हैं और कैमरा हल्का सा घुमाएंगे। ये देखिए पूरी यहाँ पे पार्किंग है, गाड़ी आप लगा के यहीं खा सकते हैं। खुला एरिया बिल्कुल मार्केट में घुसते शुरू में। और ये सामने देखिए RDX जिम और उसके बिल्कुल बराबर में थोड़ा सा टेस्ट बर्ड्स। अमित भैया जो इस आउटलेट के कर्ता धर्ता हमारे साथ हैं और ये खाना अच्छा ही नहीं सिर्फ बनाते, ये बातें ही बड़ी प्यारी करते हैं। मैं एक बार इनसे मिल चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले सर कैमरे के आगे सॉरी, मैंने आपको 1 साल से ज़्यादा इंतज़ार करवाया। ये मेरे को बहुत टाइम से कांटेक्ट कर रहे थे कि आप कवर करिए हमारे को, लेकिन मेरे घर के बिल्कुल पास था, लेकिन वेस्ट दिल्ली का हमने इतना कुछ कवर कर दिया था कि मैं हमेशा आपको टाल देता। अब ये रोहिणी आए हैं, क्या कमाल कर रहे हो रोहिणी में। बस अभी मेरे को न्यूली आया है, 10 दिन हुए आए हुए और ठीक है, इट्स गोइंग गुड। आई गेट अ वेरी गुड रिस्पांस ओवर हियर एज़ वेल। जो मुझे जनकपुरी में जैसे ओपनिंग मिली थी वही सेम ओपनिंग मुझे यहाँ पे भी मिली है। कि मेरे कुछ पुराने कस्टमर जनकपुरी के जो नॉन टू कस्टमर हैं वो मेरे यहाँ पे भी आ रहे हैं मिलने के लिए। बहुत बढ़िया। और आप कुछ अपना बता रहे थे, आप पहले कोई काम कुछ और करते थे फिर ये फूड इंडस्ट्री में आ गए। वेल सर, इफ यू टॉक अबाउट माय पास्ट, आई वाज वर्किंग विद ह्यूलेट पैकेट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओवर देयर। HP जो हम HP के लैपटॉप्स वगैरह देखते हैं वो HP उस ब्रांड में ये इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप खाने में आए, क्या रीजन था? डेस्टिनी यस, ये क्या रीजन था, मतलब कहां से फूड कहां से आ गया ये? सर देखो, जस्ट आई मीन आई वाज वर्किंग विद HP फॉर द पास्ट 4 ईयर, तो मेरे को 4 साल हो गए थे वहाँ पे काम करते हुए। आई रियलाइज की एक होता है ना, अभी शादी हुई नहीं है, एक रिस्क बनता है क्योंकि देखते ना आखिरकार एक होता है, अगर रिस्क शादी से पहले ले लिया तो बहुत अच्छा होता है, शादी के बाद तो हम रिस्क ही नहीं ले पाएंगे कुछ भी। लाइफ इज अ रिस्क, रिस्क इट। या ठीक है। एट दैट टाइम माय फैमिली वाज फोर्सिंग मी टू गेट मैरिड एंड आई थॉट अगर जॉब छोड़ दूंगा तो शादी भी नहीं होगी, इसलिए मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। तो वेस्ट दिल्ली से हम यहाँ रोहिणी आए, यहाँ स्पेशल क्या ऑफर कर रहे हो आप? सर यहाँ पे जो स्पेशल ऑफर है हमारा, एक वेज थाली है दैट विल कॉस्ट यू 120 रुपीज। ओके, एक नॉन वेज थाली है जो मैंने प्रॉकेट फ्रेंडली निकाली है ऑफिस लोगों के लिए एंड स्कूल आई मीन जो बच्चे आते हैं, दैट विल कॉस्ट यू 180 रुपीज। एंड एक नॉन वेज प्लेटर है जिसके अंदर आपको सारी ही चीजें मिल जाएंगी, दैट विल कॉस्ट यू 650। ओके, एंड यस डू ट्राई अवर चाइनीज प्लेटर एज वेल, जिसके अंदर आई मीन नूडल्स हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, मंचूरियन हो गया। एंड यस डोंट मिस आवर काठी रोल, वी आर बेस्ट इन काठी रोल। मैं बोलूंगा कि आप इनका रोल सही में मत मिस करिए और इनके मोमोज भी मत करिए। मैंने यहाँ इस आउटलेट पे नहीं खाए लेकिन जो मेरे ऑफिस के पास इनका आउटलेट है, इनके मोमोज बहुत लाजवाब है और इनका रोल भी बहुत अच्छा है, वो तो मैं पक्का यहाँ खा के जाऊँगा। थैंक यू। तो लीजिए सबसे पहले हमारे लिए रोल तैयार होता हुआ, पहले मैदे का पराठा तैयार किया जाएगा लच्छेदार। अब ये पराठे को सुपर क्रिस्प कर दिया जाएगा, हल्का सा गया नमक, ये गया अंडे,
अंडे को पराठे के ऊपर पकाया जा रहा है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये ऑलमोस्ट तैयार है। मालाबार पराठा क्रिस्प लच्छेदार। अब इसकी चिकन की प्रिपरेशन तैयार की जाएगी पराठे के बाद। तो ये गया जी चिकन, तो पहले तवे पे अच्छे से पका लिया जाएगा। बड़े बड़े चिकन टिक्के के पीसेस, प्याज दिख रहा है, शिमला मिर्च दिख रही है, मसालों में रचे हुए अच्छा सा चिकन, बढ़िया लंबे बड़े बड़े पीस, बहुत प्यारी महक। वाह, तो ये चिकन पहले से तैयार करके रखा होता है, उसे बस कह लो कि एक टाइप से गर्म करना या तड़का लगाना। और ये रोल लगता हुआ, बड़े बड़े टिक्के के पीसेस, और महक बहुत प्यारी है, बहुत उम्दा मसालों की महक। वाह, थोड़ा सा ऊपर गया प्याज। अब जाएंगे इनमें चटनियाँ। ये गई जी चिली सॉस, केचप, ये हरी चटनी है। वाह, मेयो भी जा रहा है जी, आजकल तो हर चीज में मेयो डलता है, तो रोल कैसे बच सकता है। और ये गया जी नींबू टेस्ट एनहांस करने के लिए। लो जी चाट मसाला भी जा रहा है, जैसे चिकन की खुशबू थी लग नहीं रहा था चाट मसाला की जरूरत होगी, बट ऊपर जो चटनी और प्याज डाला उसके लिए एक्स्ट्रा चाट मसाला। और ये हमारा रोल तैयार। तो ये देखिए रोल हमारा तैयार है, इसकी प्राइस 100 रुपये है, और चिकन की अच्छी क्वांटिटी है, चिकन ब्रेस्ट पीसेस यूज किए गए हैं इसमें। टेस्ट करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है, एक बाइट और बनती है। जो इसके अंदर चिकन की स्टफिंग की गई है सारा खेल उसी का है, और जो ऊपर क्रिस्प सा पराठा बनाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, कि हर चीज़ का टेस्ट ज़ुबान पे बहुत प्यारा आ रहा है। अगर आपके ज़ुबान पे पराठा आता है तो पराठे का टेस्ट है, चटनियाँ जो ऊपर डाली हैं वो चिकन के टेस्ट को ओवर पावर नहीं कर रही। मेरी तरफ से ये बहुत ही बैलेंस्ड चिकन रोल है, कोई कमी पेशी नहीं, और एक रोल खा लो तो एक टाइम का मील आपका फुल हो जाएगा, पेट फुल करने के लिए एक रोल सफिशिएंट है। मेरी खूबसूरत टेबल सजी हुई है लजीज खाने से। और ये देखिए, ये है नॉनवेज, ये नॉनवेज थाली, ये वेज थाली, और ये चाइनीज प्लेटर। सबसे पहले नॉनवेज प्लेटर, और ये जितनी चीज़ें आपको टेबल पे दिख रही हैं सबकी प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। नॉनवेज प्लेटर ये देखिए, ये है इनका तंदूरी चिकन। ओह, ये इनका तंदूरी चिकन है इस प्लेटर में, ये सीख है, ये अफगानी टिक्का है, और ये तंदूरी मोमोज हैं। तो ये इनका, ये हम अफगानी टिक्का देखते हैं। ये देखिए पीसेस, देखिए कितने बढ़िया हैं, और कितना सॉफ्ट जूसी चिकन टिक्का। ये ट्राई करते हैं।
क्रीमी है लेकिन क्रीम टेस्ट को ओवर पावर नहीं कर रही, अच्छा है ये भी। चलिए अब इनके मोमोस देखते हैं। ये है इनके चाइनीज प्लेटर में पनीर मोमोज हैं। ये देखिए पनीर के अंदर भुर्जी बना के कितना सॉफ्ट पनीर है, काफ़ी फ्रेश लग रहा है। ये ट्राई करते हैं ये कैसा है। हल्की सी चटनी लगा लेते हैं। अमेजिंग, अब इनके चाइनीज प्लेटर में ये देखिए, ये है स्प्रिंग रोल, कितना क्रिस्प है और लेयर बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, और ये चाउमीन भर के बनाया गया है। इसका टेस्ट देखते हैं। मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, जो अंदर चाउमीन भरी गई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज मसाले नहीं है, चाउमीन का हल्का फ्लेवर आ रहा है और क्रिस्प टेस्ट को एनहांस कर रहा है। परफेक्ट स्प्रिंग रोल। तो ये इनकी चाउमीन है, देखने में बड़ी शानदार खड़ी खड़ी चाउमीन। और ये हमने इनका मंचूरियन का ले लिया है, इसके साथ देखते हैं चाउमीन कैसा टेस्ट है। अमेजिंग। बाजारी चाउमीन खाते हैं ना तो क्या होता है, विनेगर तेज होगा, सोया सॉस तेज होगी, कुछ सॉस तेज होगी जो, लेकिन जैसी मेरे को परफेक्ट वाली चाउमीन की हमेशा तलाश रहती है, ये वैसी वाली है। वेजीज भी हैं, प्याज शिमला मिर्च गाजर और बंद गोभी, परफेक्ट और साथ में परफेक्ट कॉम्बो। तो वापस हम नॉन वेज प्लेटर पे आ गए हैं। ये है इनकी चिकन सीख, जो प्रोसेस्ड सीख होती है वही यूज़ की गई है, लेकिन उसमें एक अलग से इन्होंने ना अपना स्पेशल तड़का लगाया और क्रीम डाली गई है, थोड़ा सा मसाले कुछ ऊपर हैं जो टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा स्पाइसी भी है, मज़ा आया ये खा के। अब इनका ये तंदूरी मोमो दिखाते हैं। ये देखिए साइज़ देखिए इनका तंदूरी मोमो का, कितना बड़ा कितना मोटा भरा पड़ा है, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए इनके स्टीम वाले मोमोज, मैंने इनकी जनकपुरी ब्रांच पे खाए हुए हैं, मुझे अच्छे लगे थे। तो ये वही सेम चीज़ है तंदूरी फॉर्म में, ये देखते हैं। जैसे तंदूरी चिकन की बिल्कुल मैरिनेशन होती है, बिल्कुल उसी लेवल की मैरिनेशन है। अंदर जो चिकन की स्टफिंग है ये नहीं है कि जो ऊपर मैरिनेशन है तो वो ओवर पावर कर जाती है टेस्ट को, तो अंदर जो चिकन का वो टेस्ट ही नहीं आता। मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा है, अंदर हल्का हल्का मसाला, ऊपर तेज मैरिनेशन वाला मसाला, तो ये एक तंदूरी मोमो अच्छा ऑप्शन है। इनके कॉम्बोज और थालियाँ मंगवाने का रीज़न यही था कि कॉम्बोज से काफ़ी चीज़ें हम इनकी ट्राई कर लेंगे। और आप देखिए चाइनीज़ प्लेटर इनका हर चीज़ सॉलिड है, नॉन वेज प्लेटर सुपर सॉलिड है। चलिए इनकी थालियों की तरफ चलते हैं जिसमें पनीर चिकन रायता और दाल सब है। सबसे पहले इनकी वेज थाली, और ये देखिए रोटी कितनी बढ़िया पकी हुई, रेट भी बड़ा रीजनेबल रखा है। इनकी वेज थाली में ये है शाही पनीर, मीठी मीठी टेंगी टेंगी क्रीमी क्रीमी ग्रेवी, अच्छी है, मुझे पसंद आई। दाल देखते हैं, दाल बहुत ज़्यादा क्रीमी है, हैवी दाल जिसको कहते हैं वो है ये। वेज के बाद अब ये आपको मैं इनकी नॉन वेज थाली दिखाता हूँ। इसमें चिकन है, कढ़ाई चिकन सर्व किया गया है। ये देखिए ये राजी, ओ हो निकल आई टंगड़ी, ये देखिए टंगड़ी देखिए, कढ़ाई चिकन ग्रेवी देखिए कितनी थिक बढ़िया से, और इसमें एक लेग पीस है। ये देखते हैं इसका टेस्ट, लाल मिर्च का पूरी जो बड़ी लाल मिर्च होती है उसका छोंक लगाया हुआ है, साफ खुशबू आ रही है, फ्लेवर आ रहा है, मिठास है, शिमला मिर्च डाली गई है, प्याज की अलग, जो प्याज की ज़्यादा मिठास मुझे लग रही है,
अच्छी ग्रेवी है, पूरी रची हुई ग्रेवी। अगर मैं कोई कमी निकालूँ कि नमक तेज कोई मसाले तेज या कोई मिर्च तेज, ऐसा नहीं है, बहुत ही नाप तोल के ग्रेवी बनाई हुई है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चिकन ढूंढ रहे हैं अपनी थाली में तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सबसे रॉक सॉलिड चीज़ है वो है इनका रायता। मैंने बड़ी जगह थालियाँ खाई हैं लेकिन ऐसा रायता, इतना हाई लेवल, इतना टेस्टी लेवल का रायता मैंने नहीं खाया। परफेक्ट, ये थम्स अप सिर्फ रायते के लिए भाई, बहुत शानदार है। थाली में रायता बहुत टेस्टी है इनका। उसके अलावा मुझे जो इनका ये है प्लेटर नॉन वेज वाला, इसमें मुझे इनका अफगानी टिक्का सबसे ज़्यादा पसंद आया। जो वेज प्लेटर है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और जो इनकी थाली आ जाती है, थाली में मुझे शाही पनीर की ग्रेवी बहुत अच्छी लगी। और मुझे ये लगता है कि अगर इनकी प्रिपरेशन ऐसी है तो इनका बटर चिकन भी बहुत स्वाद होगा। नॉनवेज थाली भी अच्छी थी मेरी तरफ से। ये एक ऐसी जगह है, चाहे आपका रोल्स खाने का मन है, चाहे आपका स्नैक्स खाने का मन है, चाहे चाइनीज़ या मोमोज, और मेन कोर्स तो यहाँ पे है ही है, तो सबके लिए यहाँ पे सब कुछ है। जी हाँ, एक ही जगह में आपकी भूख, आपके फूडी के अंदर वो जो तलब लगती है ना, ये खाना है, वो खाना है, वो सारी तलब आपकी एक ही दुकान पे पूरी हो सकती है। और होप आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, फूड अच्छा है, और अगर वीडियो भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन करेंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।